अजमेर नवी मुंबई में एक माँ अपनी ही बेटी की दुर्दशा का कारण बनती दिखी। एक महिला अपनी ही 5 वर्षीय बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शर्मसार घटना सामने आई है। ये घटना सोसाइटी के एक आदमी ने कैमरे में कैद की और सामाजिक कार्यकर्ता चित्रा देशमुख को इसकी खबर दी। उन्होंने तुरंत पुलिस की मदद ली और बेटी को उसकी माँ के चंगुल से छुड़ाया। पनवेल में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। नवीन पनवेल स्थित चैतन्य सोसाइटी में 5 साल की बच्ची को उसी की सगी माँ के द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पता चला है कि इस नन्ही सी बच्ची को बांध कर रखने, भूखा रखने, लगातार पीटने जैसे अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये अमानवीय व्यवहार सोसाइटी में चल रहा था। ये वाक्या एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद करके वही के एक सामाजिक कार्यकर्ता चित्रा देशमुख के संज्ञान में लाया। उसके बाद चित्रा देशमुख ने जाकर खंडेश्वर पुलिस अपराध जांच विभाग के निरीक्षक वैशाली गलांडे को सूचना दी। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। लड़की की मां को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है, तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है और लड़की को इस अमानवीय माँ से बचाया गया है। पुलिस फोन करून बोलवलं, चैतन्य सोसायटी खूप आभार त्या तुंगाईना की आपल्या खांदेश्वर पोलिसच्या क्राईम PI सन्माननीय वैशाली गलांडे मॅडमना जसं मुलांकडून व्हिडिओ गेले की अशी आई कुठंतरी मारते, वैशाली मॅडमनी ती पोलिसांना आणि पोलीस गाडी पाठवली आणि त्या मुलीला आपण रेस्क्यू करता आलं, त्या मुलीला सोडवता आलं। त्या मुलीच्या कपाळाला भरपूर सूज होती, उचलून फेकलं होतं तिला। म्हणून मी चैतन्य सोसायटीचे आणि क्राईम PI वैशाली गलांडे यांचे खूप खूप अभिनंदन करते। धन्यवाद।